तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो क्लॉक ऐप है उसके अंदर एक नया अपडेट आया और कमाल के नए वहां पर फीचर को जोड़ दिया गया है, या फिर कुछ नए फीचर को वहां पर जोड़ दिया गया है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग क्लॉक के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ जाना होगा अपडेट्स वाले ऑप्शन पे। वहां पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा है जो कि है सैमसंग क्लॉक के अंदर। ये जो अपडेट है वैसे रोल आउट हो चुका है दोस्तों। आप देखेंगे ये अपडेट को 20 अप्रैल 2022 को रोल आउट कर दिया गया है, जो कि 25 MB का मतलब ये धीरे धीरे सबको रोल आउट होना चालू हुआ है। किसी को 20 तारीख को ही मिल गया, किसी को आज मिलेगा, किसी को कल, ऐसे रहता है, पर धीरे धीरे सबको रोल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नया अपडेट में क्या दिया गया है या नए चेंजेस क्या क्या दिए गए। न्यू फीचर में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है प्रीसेट टाइमर फॉर 10, 15, 30 मिनट्स आर प्रोवाइडेड एज डिफॉल्ट। मतलब कि डिफॉल्ट टाइमर को यहाँ पर कर दिया गया, आप डायरेक्टली 10, 15, 30 मिनट का आप यहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं। उसके बाद अपकमिंग अलार्म नोटिफिकेशन, ये सबसे अच्छा नया फीचर यहाँ पर दिया गया है। अब क्या हुआ, जैसे ही कोई आपके पास मान लो आपने अलार्म लगा के रखा है, तो आप वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपको पहले ही बता दें कि आपका अलार्म आने वाला है, आपको पहले ही नोटिफिकेशन कर देगा। आप वो भी सेट कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद द विजार्ड बैकग्राउंड कलर हैज बीन परमानेंटली इंप्रूव। पहले क्या होता था, यहाँ पर अगर आप कोई विजार्ड लगाते थे या फिर क्लॉक का विजार्ड अगर आपने लगा रखा था, वहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल को डार्क मोड में यूज करते थे तो वो डार्क में नहीं आता था, वो लाइट ही रहता था। बट अब यहाँ पर ऐसा उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, अगर आप डार्क में जाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा और लाइट करेंगे तो वो लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है और अदर सब कुछ इन्फॉर्मेट करते ही करते हैं, बग को फिक्स किया जाता है। तो इसको आपको कर लेना है अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नए चेंजेस आए और कैसे कैसे उसको आप यूज करेंगे। तो ये फाइनली इंस्टॉल तो हो ही चुका है मेरा, सिंपली मैं इसको इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो अपकमिंग अलार्म नोटिफिकेशन वाला फीचर है वो आपको कहाँ मिलेगा और कैसे इसको इनेबल करना है। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैं आ गया हूँ अलार्म पे। अलार्म पे आने के बाद आपको यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप देखेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा होगा यहाँ पर अलार्म के अंदर, अपकमिंग अलार्म नोटिफिकेशन। बाय डिफॉल्ट ये 30 मिनट्स मैंने सेट आया, मैंने नहीं करा, ऑटोमेटिक आया। आप यहाँ पर 5 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर और ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब कि जैसा कि मैंने ये 5 मिनट बिफोर लगा दिया और मैंने यहाँ पर बाहर आके मैंने यहाँ पर एक टाइमर एक वो लगाया अलार्म, मैंने यहाँ पर अलार्म को सेट किया, इसको सेट करा और अभी जैसे कि 6 बज रहा है, मैंने 6 बज के यहाँ पर आपके 51 PM का मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, जो कि आज ही का डेट का, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया, 6:51 का करा। अब मैं बाहर आ गया हूँ, जैसे ही मेरे पास 46 होगा और ऊपर मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अलार्म बजने वाला है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 5 मिनट का वहाँ पर उसको सेट करके रखा है। तो अब इसको एक मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट के बाद आपको कैसा नोटिफिकेशन दिखता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो उसको होने देते हैं। आप देखेंगे अब आ गया है मेरे पास नोटिफिकेशन, आपको दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं टर्न ऑफ योर अपकमिंग अलार्म। मतलब कि आपको ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अलार्म आने वाला है, आप चाहे तो उसको डायरेक्ट टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर था वो ये था दोस्तों। जो सेकंड फीचर बताने वाला हूँ वो है विजार्ड्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आया और मैंने एक विजार्ड को यहाँ पर ऐड किया। जैसे ही मैं विजार्ड को ऐड करूंगा, क्लॉक में जाके मैं नीचे आ गया और मैंने ये वाले विजार्ड्स को यहाँ पर ड्यूअल क्लॉक वाले विजार्ड्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो आप देखेंगे जैसे कि अभी मैं यहीं पर ऐसी कोई सी भी सिटी को चूज कर लेता हूँ, अरे गलती कर दी, इसको वापस जाऊंगा, सेटिंग पे आया और मैंने इसको यू कर दिया और बैकग्राउंड मैंने इसको वाइट में सेट कर दिया। जैसे कि वाइट पे सेट कर दिया और अगर अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगा तो वो उसके हिसाब से डार्क और वहाँ पर वो हो जाएगा। आप देखेंगे अब डार्क हो गया है, जैसे ही मैं डार्क मोड को हटाऊंगा वो ऑटोमेटिक वहां पर लाइट मोड पे आ जाएगा। तो सेकंड फीचर तो ये है दोस्तों, यही नए अपडेट थे। जो लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला जो फीचर है 15:10 वाला, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कहां पर दिया है वो, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा है। वो मेन दो अपडेट दिए गए थे यहाँ पर, एक आपको अपकमिंग अलार्म वाला और एक आपको दिया विजार्ड वाला। तो यही दो अपडेट थे जो कि मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मेरे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बोले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।